नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आगामी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए 38 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, परीक्षा पे चर्चा को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए देश के 102 छात्र विभिन्न राज्यों का करेंगे प्रतिनिधित्व। आगामी 27 फरवरी को तवांग जिले की लुमला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। तवांग के दुदुंगर सर्कल के जेमिनेम गांव के रहने वाले लेकी नोरबू लुमला विधानसभा उपचुनाव के लिए होंगे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के उम्मीदवार। राज्य के बंदरदेवा सर्कल के लोगों ने आसाम अरुणाचल सीमा निर्धारण के लिए 9 जनवरी को हुई रीजनल कमेटी की बैठक के ब्यौरे पर जताई आपत्ति। पापुमपारे जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। उपायुक्त ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन देने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस सिलसिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण के लिए देश भर से 38 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इनमें राज्यों के बोर्ड से 16 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के 102 छात्र विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि NCERT के कला उत्सव के 80 फाइनलिस्ट भी परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेंगे और पिछले साल के रजिस्ट्रेशन की तुलना में इस बार लगभग 15,73,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। टोटली 38 लाख से रजिस्ट्रेशन इस साल हुई है और इस साल हम लोगों की कोशिश रही स्टेट बोर्ड में परीक्षा देने वाले बच्चे इसमें से आए। लगभग 16 लाख बच्चे स्टेट बोर्ड की इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इस बार मित्रों 102 विद्यार्थियों को देश भर से बुलाया गया है। सभी राज्य परीक्षा पे चर्चा यहां जो लगभग 2,500 विद्यार्थी को स्प्रेड किया गया, बाद में पड़ोसी स्टेट से भी स्टेट स्प्रेड किया गया, लेकिन इसको एक ऑल इंडिया स्वरूप देने के लिए, उसकी कैरेक्टर नेशनल बनाने के लिए 102 स्टूडेंट्स लगभग सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार उसके अलावा NCERT एक कला उत्सव ऑर्गेनाइज करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन से स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन को होते हुए एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन सॉन्ग ड्रामा डांस आर्टिस्टिक वर्क उसके ऊपर 10 आयामों में कला उत्सव मनाया जाता है 2015 से। पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के टीचर बाबा बोरांग ने स्कूली छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा छात्रों को टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करती है। किस तरह मैनेज करता है टाइम मैनेजमेंट, किस तरह रोल अदा करता है, किस तरह वो रोल प्ले करता है। नंबर सेकेंड जो है, हम ये कहेगा कि एग्ज़ाम स्ट्रेस को हम लोग किस तरह मैनेज कर सकता है, एग्ज़ाम में किस तरह का दिक्कतें या किस तरह की कठिनाइयां आता है, उन चीज़ों से अपने आप को हमें वाकिफ करने का मौका भी मिलता है या बच्चों को उससे ज्ञान मिलता है कि एग्ज़ाम का जो टेंशन होता है, एग्ज़ाम स्ट्रेस एंग्जाइटी जो होता है, उन सारा प्रॉब्लम से उसको कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 1,00,000 रुपये नकद प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये पुरस्कार इनकी योगदान और समर्पण का सम्मान है। राष्ट्रपति ने कहा कि छोटी सी उम्र में इन बच्चों के विशिष्ट कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के अद्भुत कार्य दूसरों को प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई भी उपस्थित थे। किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। आज के पुरस्कार के लिए जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है वो चरित्र निर्माण तथा समाज और संस्कृति के समग्र विकास से जुड़ी हुई है। इस प्रकार की परिकल्पना के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी जी को और उनके पूरे टीम को मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि एक राष्ट्रीय चयन समिति ने विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ किए गए परामर्शों को ध्यान में रखकर पुरस्कार विजेताओं को चयन किया गया है। ऐसी प्रक्रिया के कारण पुरस्कारों की विश्वसनीयता और महत्ता बढ़ गया है। मैं चयन समिति की सभी सदस्यों को साधुवाद देती हूँ। कुछ पुरस्कार विजेताओं ने इतनी कम उम्र में ऐसे अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है जिनके बारे में जानकर मैं आश्चर्यचकित हूँ और अभिभूत भी हूँ। इसके उदाहरण सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाया जाने के फल बहुत ही सराहनीय है। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने इस पहल को ऊर्जा प्रदान की है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए आज यंग हीरोज ऑफ इंडिया नामक केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि न्यायपालिका के लिए लंबित मामलों को कम करने का एकमात्र तरीका अदालतें हैं। वही कार्यपालिका एक दूसरे से मिलकर काम करती है। नई दिल्ली में ई कोर्ट्स परियोजना के पुरस्कृत लोगों के अभिनंदन समारोह में श्री रिजिजू ने कहा कि न्याय में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल 4,90,00,000 लंबित मामले हैं, जो बड़ी संख्या है। मामलों के निपटारे के देरी का अर्थ है न्याय में इनकार और न्याय में देरी। श्री रिजिजू ने कहा कि ई कोर्ट्स एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये परियोजना अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना को लेकर काफी सकारात्मक रहे हैं। आगामी 27 फरवरी को तवांग जिले की लुमला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए ने आज अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपीए की तरफ से जानकारी दी गई कि लेकी नोरबू लुमला विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दुदुंगर सर्कल के जमीनियम गांव के रहने वाले लेकी नोरबू कई साल तक गांव बूढ़ा के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 23 का ये नॉमिनेशन लास्ट है। 7 तारीख का स्क्रूनिटी होगा आपका। 8 तारीख को विड्रॉवल टाइम है, 10 को दिया हुआ है वोटिंग जो 27। राज्य के बंदरदेवा सर्कल के लोगों ने असम अरुणाचल सीमा निर्धारण के लिए दोनों राज्यों की रीजनल कमेटी की 9 जनवरी को हुई बैठक के ब्यौरे पर असंतोष जाहिर किया है और इसे लेकर आज पापुमपारे जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त सचिन राणा ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे रीजनल कमेटी की मिनट्स ऑफ मीटिंग के खिलाफ अपनी आपत्तियों को लेकर एक ज्ञापन दें, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनकी शिकायतों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। अभी डीसी साहब का चैम्बर में गया, हमने वहाँ कमेटी पापुम पर जो बॉर्डर कमेटी है हमने टोटली रिजेक्ट किया जो लूपिंग सिस्टम है और जो 9 जनवरी का जो रेजोल्यूशन है।
उसको हम लोग डीसी साहब को क्लियर कट मैसेज दे दिया, वो यार अपोज दैट मैनू, तो डीसी साहब ने वही बोला है कि नहीं हम यहाँ बैठे हैं तो पब्लिक परफॉर्म पर इंटरेस्ट के लिए है, अरुणाचल का इंटरेस्ट के लिए है, आप लोग जब सेटिस्फाई नहीं है तो हम लोग भी उसको आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आज गुवाहाटी में शायद मीटिंग होना था तो कल उन्होंने अपना वो मीटिंग को कैंसिल कर दिया। एक्चुअली ये धरना का जानकारी कल रात को मिला कि बंदर देवा से कुछ लोग जो है वो जो हमारा 9 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल का मीटिंग हुआ रीजनल कमेटी का आसाम के साथ, उसका मिनट्स थोड़े दिन पहले रिलीज हुआ है, तो इन लोग को उसमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है तो उसके लिए ये लोग थोड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। तो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दिया, आई रिक्वेस्टेड देम कि वो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन अपना जो बात कहना चाहते हैं वो लिख के दें सो दैट कि हम सरकार को बताएं, बट प्राइमरली उसमें इनका इशू है कि जो 9th का जो मिनट्स है उसकी कुछ डिटेलिंग को लेकर जो हमने एरिया डिमार्केट किया टेंटेटिवली उसमें कुछ इशू है उनको, तो जब ये रिप्रेजेंटेशन हमको सबमिट कर देंगे तो हम उसको अपने रीजनल कमेटी चेयरमैन और गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे इनका बात बताने के लिए। नाम से ही डिक्लेरेशन में हमारे पूरे पापुमपारे का 4 विलेजेस है, सर्कल नहीं है, 4 विलेजेस है, और इस बंदरदेवा में बंदरदेवा तानीहापा और पिछोला विलेजेस हैं, तो ये लोग जो ज्योग्राफिकल रीजन्स की वजह से 1951 का जो बाउंड्री है उसके ऊपर लोकेट किए गए थे उसकी वजह से ये नाम से डिक्लेरेशन में क्लियर किए गए थे, बट बाद में रीजनल कमेटी असम ने रिक्वेस्ट किया फॉर्मली विद इन द मीटिंग कि वो लोग इसको कंसिडर दोबारा करना चाहते हैं, इसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं, तो उस डिस्कशन को लिए एक बेटर माहौल देने के लिए उनको डिस्कशन के लिए परमिट किया गया था। ऑल ईस्ट सियांग बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने सोमवार को पासीघाट में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद तपिर गांव, पासीघाट ईस्ट के विधायक कालिंग मोयोंग, प्रभारी जिला उपायुक्त तातदो बोरांग सहित कई अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सम्मानित व्यक्ति मौजूद थे। मुख्य अतिथि तपिर गांव ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी त्याग और अनुशासन की मिसाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने के लिए नेताजी ने अपने जीवन की खुशियों को त्याग दिया था। लोकसभा सांसद ने कहा कि पासीघाट में नेताजी की जयंती के अवसर पर हर साल भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप सबको मालूम है इस 70 ईयर्स में हमारा यहाँ भारत देश में नेहरू का और इंदिरा जी का, राजीव जी का, मनमोहन सिंह का शासन रहा है, नरसिम्हा राव जी का। इतिहास कहां से गलत हुआ आज मोदी जी आने के बाद इस इतिहास को उल्लेख कर रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का आइडियोलॉजी का डिफरेंस, गांधी जी कह रहा था कि आप इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम युद्ध में इंग्लैंड बहुत मुसीबत में है, इस कमजोरी को पैदा उठा के हम आजादी मांगना ये गलत है बोल के नेहरू का और महात्मा गांधी जी का विचारधारा था। सुभाष चंद्र बोस का कहना था, बोले इंग्लैंड कमजोर है या ताकतवर है इसी से लड़के हमको इस भारत देश को आजादी दिलाना है, तो यही तो मौका है, इसी में हम अगर मांग भी ना रहे फिर भी हम एक एग्रीमेंट ब्रिटिश सरकार का साथ करना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने का बाद तुरंत हमको आजादी दिया जाएगा, तो भारत देश लंदन के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारत में बने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस के परीक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भार ओएस का परीक्षण सफल रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत में सशक्त, स्वदेशी, आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने की दिशा में भार ओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण पहल है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। सॉफ्टवेयर वाले पीस में जो एक बहुत बड़ा गैप था वो गैप भी फिलअप होता है। आईआईटी मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। पीपल डोंट वॉन्ट
एनी सिस्टम लाइक दिस टू सक्सीड. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस, वेरी परसिस्टेंट. कंटिन्यूसली वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन मेकिंग इट सक्सेसफुल. उस जर्नी के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड. प्रोफेशन जो एकेडेमिया से होती है, लेबोरेटरी से होती है, इंडस्ट्री उसको अपने तरीके से कैसे उसको कमर्शियलाइज करे, अडॉप्ट करे, उसको भी बढ़िया से जोड़ा गया है. और उस आधार पे हमारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं. ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है. ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा. उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी. रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे. प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवा आपके द्वार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इसी पहल के तहत सोमवार को लोअर दिबांग वैली जिले के पगलम सर्कल के केबा गांव में चौथे सेवा आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इनरलाइन परमिट और आधार कार्ड जारी किए गए. इस शिविर में 800 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 583 लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ दिया गया. पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित एबी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए चौथे तादो खोली क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल मैच में ईस्ट कामेंग की टीम ने वेस्ट सियांग की टीम को 33 रनों से हराकर जीत दर्ज की. टॉस जीतकर वेस्ट सियांग ने ईस्ट कामेंग को पहले बल्लेबाजी करने को कहा. ईस्ट कामेंग की टीम ने 246 रन बनाए, जबकि वेस्ट कामेंग की टीम जीत के लक्ष्य का पीछा करते हुए 213 रनों पर ऑल आउट हो गए. टूर्नामेंट की विजेता ईस्ट कामेंग की टीम को 1,00,000 रुपए कैश प्राइज और एक ट्रॉफी से नवाजा गया. सबसे कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा ईस्ट कामेंग के क्रिकेट टीम को. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर विनिंग द ट्रॉफी. And also I congratulation the second team, the West Siang, congratulations. And all the participants of the 11 teams and all the captains and its managers, everyone of you, aap sabko main tahe dil se dhanyawad dena chahunga ki hamare fourth edition Tado Kohli ke jo trophy ko aapne विंटर अच्छा ये सीजन भी अच्छा हुआ, इसलिए पार्टिसिपेंट हुआ. ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित जेएनसी प्लेग्राउंड में कांगिर जम्मू मेमोरियल पासीघाट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है. आदि बने के बांग अबोर यूथ एसोसिएशन, ईस्ट सियांग जिला प्रशासन, जिला ओलंपिक एसोसिएशन और जिला फुटबॉल एसोसिएशन संयुक्त रूप से प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहा है. यह टूर्नामेंट राज्य के सम्मानित प्रशासक और समाज सेवी रहे कांगिर जमो को श्रद्धांजलि के तौर पर आयोजित किया जा रहा है. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही. हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ. चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल TD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं. देखते रहिए अरुण प्रभा. नमस्कार.